डेस्टिनेशन भाई हो चुकी है, उतार लेते हैं भाई। ये देखो हाय हाय क्या लग रही है भाई अपनी भाई का। आप सोच रहे हो कि जानू भाई इतने दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाला, क्या सीन हो गया? आपको पता ही है जैसे कि यार मेरा एक क्रैश हो चुका था, तो भाई उसमें भी थोड़ी बहुत लगी थी, और साथ के साथ भाई मेरे एक ना दोस्त की मैरिज थी अविनाश की, थोड़ी थोड़ी ना मेरे जख्म ठीक हो रहे हैं भाई, यहीं से लगी थी, इधर ये भी थोड़ी बहुत लगी है। चलो इसको मैं कंसीडर नहीं करता। देख लो यहाँ पे सारे स्टेज मर के बैठ चुके हैं। मैंने सोचा यार इतने बंदे बैठे हुए हैं, मैंने बैठ के क्या करना है, तो मैं इसलिए नीचे खड़ा हूँ। तो भाई ये देखो सारे बैठे हुए हैं भाई। अब ये ना पहले इन्होंने रेबन काटने के टाइम पैसे दिए ना, अब ये भाई उधर बैठने के बावजूद से पैसे लेंगे। सही बोल रहा हूँ। सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बड़े होंगे, होने भी चाहिए। तो राम राम सभी को, करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस आप सोच रहे हो कि जानू भाई इतने दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाला, क्या सीन हो गया? आपको पता ही है जैसे कि यार मेरा एक क्रैश हो चुका था, तो भाई उसमें भी थोड़ी बहुत लगी हुई थी, और साथ के साथ भाई मेरे एक ना दोस्त की मैरिज थी अविनाश की, तो भाई मैं उधर बिजी था। उसके भी भाई मैंने ढेर सारे ब्लॉग बनाए, वो एक लाइफ स्टाइल टाइप ब्लॉग है, तो मैं सोच रहा हूँ एक नया चैनल बना लूँ जिसमें भाई अपने लाइफ स्टाइल वाले ब्लॉग डालूँ, जिसमें भाई आपको मेरे बारे में पता चल जाएगी जानू भाई पूरा दिन क्या करता है क्या नहीं, क्योंकि इस चैनल में तो सिर्फ मैं मोटर ब्लॉग वगैरह टाइप डालता हूँ। ठीक है, सो गाइस अभी आपकी भाई की रिकवरी पूरी चल रही है। चेक करो भाई, ये भाई अभी रिकवरी चल रही है थोड़ी बहुत, और मेरे हाथ पे भी लगी थी, ये देख लो भाई, मतलब ये ऑलमोस्ट ठीक हो गया हुआ है। सो गाइस आज हम निकल रहे हैं एक मोटो व्लॉग बनाने के लिए। काफ़ी देर से भाई कोई मोटो व्लॉग नहीं किया, बहुत देर हो चुकी थी, तो चलो गाइस फटाफट से घर से निकलते हैं, अभी मिलते हैं आपको आगे। अर्जुन भाई नीचे आ चुके हैं, तो फटाफट से निकलते हैं भाई। गाइस आज मैंने आपको यार अपने न्यू बाइक की भी अपडेट देने की, क्या आने वाला है भाई, बहुत जल्दी एक नेक्स्ट लेवल चीज़ आने वाली है, तो उसकी भी मैं अपडेट दे दूंगा व्लॉग के बीच में, तो मिस मत करना। सो गाइस ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यार जैसा आप सबको पता है विंटर्स आ चुकी हैं, और मैं एक मोटो ब्लॉगर हूँ, मुझे ना डेली भाई राइड्स वगैरह करनी होती है। सो गाइस उससे क्या हो रहा था भाई, मेरी स्किन ना बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही थी, और भाई डल ड्राई टाइप हो गई हुई थी। सो गाइस मॉइस्चराइजर मैं लगाता था, पर यार जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर है वो मेरी जैसी स्किन को ना सूट नहीं करते, क्योंकि मेरी स्किन बहुत हैवी है, और मैं सोचता था यार क्यों ना एक ऐसा मॉइस्चराइजर हो जो भाई मेरी स्किन को ग्लो भी करे, और भाई मेरी स्किन जो है वो नेचुरली शाइन भी करे। सो गाइस मामाअर्थ ने लॉन्च किया यार ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद गोटू कोला एंड विटामिन सी। तो गाइस इसमें है यार विटामिन सी और गोटू कोला, जो मेरी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो करती है, और भाई ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है, विंटर में तो भाई ये नेचुरली ग्लो बहुत ज्यादा करवाती है स्किन को। सो गाइस चलो फटाफट से बना भी आपको इसको यूज करके दिखाया था, जिसमें भाई विटामिन सी भी है, और भाई ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी स्किन को ड्राई नहीं करने में, मतलब कि ड्राइनेस तो पूरी हटा देती है, और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा नेचुरली ग्रो भी करने लगती है। देखो मैंने आपके सामने ही लगाया, और भाई कितना फर्क आ गया यार स्किन में, तो ये बहुत ही अच्छा भाई प्रोडक्ट है, मुझे लगता है आप सबको भी परचेज करना चाहिए, जिनकी स्किन मेरी तरह है भाई, नॉर्मल मॉइस्चराइजर हमें नहीं सूट करते, तो भाई ये जरूर से परचेज करना। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ना, ऐसा लगाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने स्किन में कुछ लगाया भी है या नहीं लगाया, और इसमें भाई गोटू कोला जो भाई हमारी स्किन को नेचुरल ग्लो करने में हेल्प करता है। सो गाइस जैसा कि आप सबको पता है मामाअर्थ का एम है 2025 से पहले उन्होंने 1 मिलियन प्लांट्स लगाने हैं इंडिया में। सो गाइस जैसे हम इनका कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आपका ना प्रोडक्ट एक प्लांट से लिंक कर देते हैं, जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करोगे तो आपके नाम का एक प्लांट लगा देंगे। सो गाइस आप भी हेल्प करो यार मामाअर्थ की 2025 से पहले 1 मिलियन प्लांट लगाने में। इस मामाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा, जैसे कि नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, और आप अपने घर के पास किसी ऑफलाइन स्टोर से भी जाकर ले सकते हो। गाइस अगर मेरे दिए गए लिंक से लोगे तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, तो गाइस मेरा प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे मिलेगा वो 20% का डिस्काउंट JANN2023। देर किस बात की, जल्दी से इस प्रोडक्ट को परचेज करो, अपनी स्किन को ड्राई और खराब होने से बचाओ। तो गाइस फाइनली ये खड़ी है अपनी बीस्ट, और आपको बता भाई जब इसका क्रैश हुआ था ना, तो उस टाइम तो मैं आपको सही से दिखा नहीं पाया था, ये चीज़ चेक करो भाई, ये छिल हो गई है पूरी, और आप इस चीज़ से देख सकते हो भाई ये बाइक ना कितनी रगड़ी होगी, और फेयरिंग को ना एक स्क्रैच भी नहीं आया भाई, और ना ही कहीं इंजन केसिंग या कहीं भी स्क्रैच आया। तो भाई KTM वालों ने ना इसके लगड़ इतने मजबूत कर दिए भाई, बता नहीं सकता, KTM भाई नेक्स्ट लेवल ही जा रहा है। ये चक्कर भाई कितना रगड़ोया भाई, और मतलब क्या ही बिल्ड क्वालिटी है भाई, टस से मस नहीं हुआ। बाकी ये हम नया डलवा लेंगे, ये हम नया डलवा लेंगे भाई दोनों चीज़ें। तो चलो गाइस फाइनली अभी इधर से निकलते हैं, बाइक को कर देते हैं कोल्ड स्टार्ट, और आज भाई इसमें ना अपना नाम भी लिखा लेंगे, तो ये कर दिए कोल्ड स्टार्ट, और यहाँ पे आ चुके हैं भाई अर्जुन भाई। तो चलो गाइस थोड़े से निकलते हैं। चलो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई घूमट में, और इसकी साउंड सुन लो भाई, हम सोच रहे हैं इसमें एग्जॉस्ट वगैरह डलवाएं क्या या ना डलवाएं, आप बताओ यार कमेंट करके क्या करना चाहिए, कि इस फर्स्ट सर्विस से पहले पंगा लेना चाहिए एग्जॉस्ट वाले या नहीं, बताओ खुद ही। बाकी आवाज़ इसकी इस बार ऐसे भी सही कर दी है, बट स्टिल एग्जॉस्ट डलवा लेंगे यार, एग्जॉस्ट की ना फील नहीं आती भाई चलाने में। बाकी जो आप बोलो नहीं भी डलाना तो भी बोलो भाई, नहीं डलवाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई रूमी भैया की शॉप पे। तो बहुत देर से भाई इन्होंने ना न्यू शॉप खोली थी तो इनसे भी मिलने का मन था। क्या हाल है सर? मैंने कहा बड़ी देर से भैया से मिले नहीं है, आज चक्कर लगा के आते हैं। और सुनाओ सब बढ़िया, कैसा चल रहा था? क्या बात है, कैसा? सो गाइस फाइनली अब बहुत देर बाद आया रोमी भैया के पास। रोमी भैया को मैंने बीच में कॉल की थी पर ये कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से भाई कहीं गए हुए थे, तो उसके बाद भाई आज मिले हम इनको। रोमी भैया मेरा नाम लिखवाना है इधर हैं। सो गाइस रोमी भैया से ना नाम वगैरह लिखवा लेते हैं इधर। अभी इधर चेक कर लो भाई अपना नाम लिखो रहा है। सो गाइस इधर चेक करो, हमारा जो नाम है वो निकल चुका है, ठीक है? तो अब स्टीयरिंग वगैरह हैंडल वगैरह पे लगवाते हैं। सो गाइस यहाँ पे अपना नाम लिखो गया। और आपको पता है भाई बाइक मैंने बड़ी मुश्किल से चलाई है, मैं जब गुड अपना फोल्ड कर रहा हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है। मुझे लगता है अभी तक भाई मैं पूरा रिकवर नहीं हुआ हूँ मतलब बाइक वगैरह चलाने में। बाकी चलो कोई नहीं, ये लिखवाना ज़रूरी था भाई तो यहाँ पे लिखवाते हैं। सो गाइस इधर चेक करो भाई अपना नाम लिखो गया और बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये चेक करो भाई। हाँ अब इसको अपना भाई लैमिनेशन करवा लेंगे फटाफट से। फिर चेक करो भाई आपको ये रगड़ें दिख रही होंगी, तो चलो भाई इसको ना फटाफट से ब्लैक स्प्रे मार लेते हैं भाई, जिससे भाई ये थोड़ी विजिबल जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ चेक करो भाई स्क्रैच हमने गायब कर दिए हैं। लैमिनेशन भाई हो चुकी है, उतार लेते हैं भाई ये देखो। हाय हाय क्या लग रही है भाई अपनी भाई का। ठीक है भाई नाम वगैरह लिखो गया, स्क्रैच वगैरह मिट गया। रोमी भैया ने इतना कर दिया। रोमी भैया रैप कब कर रहे हो बाइक को? नहीं पर रैप तो हमने भगवा ही रखना, फिर क्या करेंगे? कुछ और इसके ऊपर ग्राफिक्स ऐड करेंगे? पक्का कब कर रहे हैं फिर बताओ? चलो जब पहली सर्विस हो जाएगी भाई इसकी, उसके बाद भाई हम इसका रैप वगैरह स्टार्ट कर देंगे। भाई यहाँ पे जाकर सब्सक्राइबर भी आ गए हैं। और भाई कैसे हो? ठीक हो ये भाई है अपना। सो गाइस रोमी भैया करते हैं बाय बाय। रोमी भैया सी यू, फिर मिलते हैं आपको जल्दी, ठीक है भाई? ग्राहक और रोमी भैया ने हमारे लिए इधर सिग्नेचर, यहाँ चेक करो भाई जी स्टैंड अर्जुन एक्स ब्लॉग दानिक राजपूत। तो भाई दानिक भी आ चुका है। सो गाइस फाइनली अब रैप वगैरह जो मतलब कि थोड़ा बहुत करवा लिया, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि यार लाइफस्टाइल वाले ब्लॉग तो आपको दिखाना ही है, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि यार जो ये शादी का ब्लॉग था ना, आप सोच रहे हो कि तीन चार दिन जानू भाई ने क्या किया, तो यार जाके शादी वाला ब्लॉग चेक करो, इसके आगे मैं वो डाल रहा हूँ। उसके बाद अब यहाँ से राइड हम कंटिन्यू करेंगे, वो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय। चुके हैं भाई ये मास्टर्स, अभी जा रहे हैं भाई ऊपर। ये चुके भाई एंट्री, गाइस आ चुके हैं अपनी सीट पे, फिर से मिलवाते हैं आपको भैया से। कैसे भैया कहाँ गए थे इतनी देर? गाइस फाइनली अपना हेयर वॉश जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस इधर अपना हेयर कट हो चुका है, स्टार्ट चेक कर लो। गाइस फाइनली अपनी कटिंग वगैरह हो चुकी है, चेक कर लो भाई क्या सेक्सी कटिंग किया राजीव भैया ने। राजीव भैया थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग कटिंग। तो गाइस चेक कर लो इधर फाइनली अपने हेयर कट जो है वो कंप्लीट हो चुका है पूरे तरीके से। गाइस फाइनली राजीव भैया ने मेरी कटिंग कर दी है, कितनी सेक्सी कटिंग हुई है। आज आप भाई पार्टी में धूम मचा रहे हैं, तो चलो गाइस फाइनली भी इंटरेस्ट निकलते हैं अर्जुन भाई। गाइस यार तैयार होके ना टाइम नहीं लगा भाई ब्लॉग बनाने का, इतनी टेंशन है थी। अर्जुन भाई देखो पूरा कोट पैंट पहन के तैयार हो गए, ऐसा लग रहा शादी सी है। मेरा कोट भाई सीट के पीछे पड़ा हुआ है, मैंने सिर्फ अभी शर्ट पहनी हुई गाड़ी चला रहा था भाई। और भाई बारात निकल चुकी है, बहुत ज्यादा लेट हो गया। हम लेट क्यों हुए बताओ गाइस, हम क्या लेने गए थे? हम लेने गए थे गाइस दस्तरियां, ये तो दो है अभी बाकी पीछे पड़ी हुई है यार। तो भाई दस्तरियां लेने गए थे, पैसे उड़ाते हुए जाएंगे, ठीक है? एक गन भी लाई है ना हमने पैसे उड़ाने वाली, तो पूरा सामान सामून तैयारी के साथ जा रहे हैं। वो भाई वो क्या कर रहा है, पैसा ही पैसा कर दे रहा है, पैसा ही कर दे रहा है, ठीक है? तो भाई अभी निकलते हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको बारात और दूल्हे से भी मिलवाते हैं, दूल्हे को दो चार चंडे मारेंगे। अभी हम बारात पे जा रहे थे और यहाँ पे लग गया भाई ट्रैफिक। गाइस इधर चेक करो आज इस लड़के की शादी है, तो भाई बहुत बहुत मुबारक है। अब बाद में ये चक्कर बाकी सारे बैठ गए अंदर, भाई की गाड़ी पूरी डेकोरेट हो गई हमारी इधर लगी है, तो चलो अभी इधर से निकलते हैं भाई। इधर कोई चक्कर हो गया हुआ है, तो ये रही अपनी गाड़ी भाई जिसमें आज हम जा रहे हैं। चेक करो भाई फ्यूल कॉन्ट्रैक्ट डाला हुआ इसमें, तो गाइस फाइनली चेक कर लो भाई। अभी आ चुके हम सिद्रावली रोड पे, साथ भाई अर्जुन भाई और इनकी गाड़ी भी भाई सबके पीछे आ रही है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ भाई। तो भाई साहब ये चेक करो, वहाँ पे बैठा हमारा क्या किया दूल्हा भी ब्लॉग बना रहा है।
तो गाइस अभी आ चुके हैं उधमपुर में और भाई होगा डेढ़ सारा कोट आया है। भाई जी ये दोस्ती है ना, ये दोस्ती उधमपुर की दोस्ती हमारी जानू भाई के लिए। उधमपुर में ये स्पेशल भाई स्पेशल फंक्शन अटेंड करने आए हैं जानू भाई और अर्जुन भाई। खत्म भाई, क्या बात है, क्या बात। तो भाई देखो यार भाई यहाँ सारे भाई काफी खुश हुए हैं भाई जानू भाई को देख के। तो भाई ये रहा जानू भाई का बहुत बड़ा सिद्ध मूसे यार। गाइस इधर चेक करो अभी भाई क्या हो रहा है, रिबन कटिंग हो रही है। रिबन कटिंग तो अभी चेक करो, रिबन वगैरह कट करते हैं निकलते हैं। चाहिए जिसमें आजकल अमिताभ बच्चन बोलता है वो वाला स्कैनर चाहिए। क्या करना, देना लाख रुपया दे यार, 100 रुपया यार बड़ा ये लो। जल्दी दी, कुड़ी ले जाना है। अच्छा ज्यादा दे दिए पागल, क्या कर रहा है बात करो ना। आपकी एक काम कर, 30 रुपए दे दे, 30 रुपए दे दे, 30 रुपए में बात खत्म करो यार। अविनाश देख लो यहाँ पे सारे स्टेज मतलब के बैठ चुके हैं। मैंने सोचा यार इतने बंदे बैठे हुए हैं, मैंने बैठ के क्या करना है, तो मैं इसलिए नीचे खड़ा हूँ। तो भाई ये देखो सारे बैठे हुए हैं भाई। अब ये ना पहले इन्होंने रेबन काटने के टाइम पैसे दिए ना, अब ये भाई उधर बैठने के बाद पैसे लेंगे भाई। फाइनली आप आपको दिख रहे होंगे भाई, देखो अविनाश देने वाला 10 हजार रसगुन। तो गाइस अभी यार सुबह हो चुकी है और पूजा वगैरह हो गई थी रात को, मैं सो गया था। सो गाइस पूजा वगैरह हो चुकी है, हम अंदर लेटे हुए थे भाई, तो शादी वगैरह हो चुकी है। चेक करो भाई इसका भी चल रहा है इमोशनल सीन, चेक करो भाई सारे रो रहे हैं। अविनाश भी रो रहा है भाई, मुझे चेक करो। तो भाई व्लॉग इसी के साथ यहीं एंड कर देते हैं यार।